क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू का राउंड 20 जो है ये इस आप कह सकते हैं टूर्नामेंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होने वाला है और अगले दो राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस राउंड की अगर हम बात करें तो इस राउंड का पहला मैच जो है वो पीएनजी वर्सेस नेपाल जो कि खेला जाना है कल। जी हाँ, दोनों ही विजिटिंग टीम यहाँ पर पहले स्टार्ट करने वाली है जिनको यूएई एज अ होस्ट भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले इनकी मैच की मैच रिव्यू अगर आपके सामने आप रखें कि क्या कुछ डिस्कशन यहाँ पर आपके सामने हम लेकर आए हैं तो एंड शुरुआत से करते हैं, चलिए हेड टू हेड से ही बात कर जाए तो मेरे ख्याल से 6 मैचेस में अब तक ओडीआईज में आमने सामने अभी तक नेपाल और पीएनजी जो है वो रहे हैं और 4-2 का यहां पर रेशियो है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, 6 मैचेस खेले हैं ओडीआई में। अगर हम बात करें 2021 से उनका सफर शुरू हुआ, खेला जितना भी इन्होंने खेला और 2021 के बाद से ही खेलना चालू किया इन दोनों ने। अगर ओडीआई में बात करें जिसमें कि 6 मैचेस खेले, 4 नेपाल ने जीता और 2 में जीत जो है वो पीएनजी को मिली। बिल्कुल, तो ये हाल है अभी तक की अगर हम बात करें पीएनजी के खिलाफ नेपाल का और नेपाल के खिलाफ पीएनजी का हेड टू हेड की। अब यहाँ बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेडियम जो मैचेस जो होने वो वहीं पर होने जहाँ पर अभी यूए वर्सेस नाइबर इंटरनेशनल स्टेडियम उसी स्टेडियम में ये मैच होने हैं। ये 6 के 6 मैचेस की बात करें और इस मैच की खास करके हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इतना जरूर है कि टॉस जीतकर सबसे पहले यहाँ पर चेस देना ही बेहतर रहेगा क्योंकि जैसे कि रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, रिकॉर्ड्स में इस मैच में चेस करने वाली टीम को बहुत ज्यादा एडवांटेज है बजाय डिफेंड करने वालों की। हमने देखा था जो आपके सामने हमने रखे थे इस नाइबिया यूए से पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें चीजें रखी थी हमने कि काफी अच्छा खासा डिस्टेंस है और अभी रिसेंटली हमने देखा दोनों ही मैचेस में चाहे वो यूए हो या फिर नाइबिया चेस करते हुए यहाँ पर मैचेस जीते हैं। तो आप टॉस जीते और पहले बॉलिंग ले तो बहुत ज्यादा यहाँ पर एडवांटेज आपके लिए बेहतर रहेगा बाद में बैटिंग करना क्योंकि यहाँ का जो रिकॉर्ड भी है वो भी ये कहता है। अब सबसे बड़ी चीज ये है हेड टू हेड में कंपैरिजन में आया क्या यहाँ पर कुछ है क्योंकि कुछ अलग तरीके की यहाँ पर बातें करनी जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो पीएनजी की बैटिंग की यहाँ बात करते हैं तो पीएनजी के जो बैट्समैन रहे हैं उनके टॉप जो 4-5 बैट्समैन रहे हैं उनमें उनका नेपाल के बॉलर के खिलाफ एवरेज किस तरह का रहा है अगर हम बैटिंग एवरेज की देखें क्या कुछ बेहतर कर पाए हैं वो नेपाल के बॉलर्स के सामने? नहीं जरूर, देखिए सब तो नहीं लेकिन कुछ प्लेयर जरूर हैं यार जिनका थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अगर हम पीएनजी के बैट्समैन की बात करें सबसे पहले अगर हम देखें चार्ल्स एवेनी को जिन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, 223 रन उन्होंने किए हैं नेपाल के खिलाफ 6 ओडीआई में जो 6 के 6 मैच वो खेले हैं नेपाल के खिलाफ जिसमें कि उनका एवरेज 37.1 का एवरेज हो जाता है। वहीं पर ये सबसे बेस्ट एवरेज आपको बता दें किसी भी पीएनजी बैट्समैन का नेपाल के खिलाफ ये सबसे बेहतरीन एवरेज है चार्ल्स एवेनी, यानी ये एक रडार में आप जरूर रहेंगे कि चार्ल्स एवेनी कैसा परफॉर्म करते हैं क्योंकि अब तक नेपाल के खिलाफ 6 मैचेस में बहुत अच्छा खेले हैं तभी 200 से ऊपर रन मार चुके हैं और 37 का एवरेज है, क्या कहेंगे? जरूर बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर अगले प्लेयर की बात करें असद भला यहां सेकंड प्लेयर हो जाते हैं जो 6 मैचेस में 129 रन उन्होंने किए हैं अगर हम बात करें नेपाल के खिलाफ और इसमें उनका एवरेज जो है वो काफी कम है 21 का उनका एवरेज है जो बहुत ज्यादा कम हो जाता है लेकिन सेकंड हाईएस्ट है ये पीएनजी की तरफ से नेपाल के खिलाफ चलने वालों। बिल्कुल, इतना जरूरी है इतना तय है कि नाम को देखते हुए जिस तरह का कैलिबर उनका है डेफिनेटली 6 मैचों में 129 रन नेपाल के खिलाफ ये बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर असद वाला को कहीं ना कहीं अपने जो रिकॉर्ड है नेपाल के खिलाफ उसे बेहतर कर इस 4 मैचेस में इस मैच में खास करके पहले मैच की यहाँ बात करें आपको परफॉर्म जरूर करना होगा क्योंकि जिन पर ज्यादा दारदार है हम उन्हीं की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद तीसरा बेस्ट एवरेज अगर बैटिंग में मैं कहूँ पीएनजी के लिए तो वो कौन से है नेपाल के खिलाफ? नहीं जरूर, देखिए नॉर्मन बनुआ वो हो जाते हैं जी हाँ जिन्होंने 5 मैचेस में 111 रन बनाए हैं और 22 का उनका एवरेज है, 22.2 का उनका एवरेज है और थर्ड हाईएस्ट है ये प्लेयर बैट्समैन जो कि नेपाल के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में शामिल। बिल्कुल, उसके बाद आपको बात करें तो टॉनी उरा जिन्होंने 6 मैचों में 100 रन बनाए हैं 16 का एवरेज है और सेस बाउ जिन्होंने 5 मैचों में 82 रन बनाए हैं इनका भी 16 का एवरेज है और डेफिनेटली टॉनी उरा और सेस बाउ यहाँ पर स्क्वाड में आप कह सकते हैं टॉप 5 बैट्समैन में जरूर है लेकिन इनका एवरेज जो है नेपाल के खिलाफ नेपाल के खिलाफ इनका बल्ला खामोश ही रहा है। असद वाला का भी वो कुछ ज्यादा अब हमें देखने को नहीं मिला है अब तक जो 6 ओडीआई की हम बात करें लेकिन चार्ल्स एवेनी और नॉर्मन बनुआ इन दोनों ने नेपाल के खिलाफ हमेशा स्टेप अप करके बेहतर परफॉर्मेंस दी है। अब आप सोचेंगे कि नॉर्मन बनुआ ने सिर्फ 22 के एवरेज से ही रन किए लेकिन यहाँ अगर बॉलिंग सेक्शन में बात करेंगे आप तो नॉर्मन बनुआ बहुत बेहतरीन करते हुए नजर आए नेपाल के खिलाफ, बहुत की फैक्टर हो जाते हैं। बाद में बात जरूर करेंगे कि पीएनजी के लिए 5 की फैक्टर वाले प्लेयर कौन से होंगे जिनको हर हाल में इस मैच में स्टेप अप करना ही करना होगा लेकिन यार अब चलते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल की अगर बैटिंग यूनिट की बात की जाए तो वहां पर जब जब सामना पीएनजी से हुआ है तो वहां पर हालात किस तरीके के
है, शुरुआत करना चाहूंगा सबसे बेस्ट एवरेज वाले बैट्समैन से। बिल्कुल, ये नाम है रोहित पुड़ैल का, जो टीम के कप्तान है। उन्होंने 6 मैचेस पीएनजी के खिलाफ खेले हैं और 392 रन स्कोर किए हैं पीएनजी के खिलाफ और एवरेज 78.4 का उनका एवरेज है। शानदार उनका एवरेज है और जबरदस्त, वाकई कमाल का खेलते हैं वो पीएनजी के खिलाफ। और शतक भी, जी हाँ ऑब्वियसली एक शतक भी इसमें शामिल। बिल्कुल, तो इसमें कोई दोराय नहीं है, नंबर्स अपने आप में बयान कर रहे हैं। और सेंचुरी कैसे भूल सकते हैं हम ट्यू में, जहां पर एक जबरदस्त कैच की वजह से वो इनिंग टूटी थी, वरना वो इनिंग और भी लंबी वहां पर जा सकती थी। खैर, उसके बाद अगर एवरेज की बात करें यहां पर, तो ज्ञानेंद्र मल्ला का 3 मैचों में 55 रन है और 18 का सिर्फ एवरेज है पीएनजी के खिलाफ। ओडिया से बात करें आसिफ से, जी हाँ यहाँ पर आसिफ को थोड़ा सा स्टॉप करने की जरूरत है। 4 मैचों में सिर्फ 51 रन और 12.5 का एवरेज लगभग है, 12.7 का, बहुत खराब ऐसा ओपनर पीएनजी खिलाफ। इस तरह के एवरेज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल यहां पर नहीं, बल्कि किसी के खिलाफ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन पीएनजी के खिलाफ भी और ज्यादा एक्सेप्टेबल यहां पर नहीं हो सकता, तो ये देखने वाली बात। उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी की बात करें तो तीसरे सबसे बेस्ट एवरेज उनका है। दूसरा कौन है वो आपको जरूर बताएंगे। तीसरे बेस्ट एवरेज है 4 मैचों में 128 रन और 32 का एवरेज, और मेरे ख्याल से इसमें से एक तो सेंचुरी है शायद, उसके अलावा देखें तो 3 मैचों में कुछ खास रन नहीं निकले। जरूर, और सिर्फ एक मैच में शतक के बल मुझे यहाँ पर है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि बल्ले से रन निकले। और एक और प्लेयर जो है सेकंड नंबर, बिल्कुल आरिफ शेख, जी हाँ आरिफ शेख जो डाउन द ऑर्डर आते हैं, 5 मैच में 155 रन उन्होंने बनाए और उनका एवरेज 38.7 का है एवरेज है, और सेकंड बेस्ट एवरेज है नेपाल के बैट्समैन का अगर हम बात करें किसी पीएनजी के खिलाफ खेलते हुए। बिल्कुल, तो ये बात हो गई बैटिंग यूनिट की, तो इतना क्लियर है कि अगर आप बैटिंग यूनिट में देखेंगे तो पीएनजी के लिए चार्ल्स अमीनी सबसे बड़े फैक्टर रहे हैं जब भी बात नेपाल से खेलने की आई है, उसके बाद नॉर्मन वनवा और फिर असद वाला। लेकिन डेफिनेटली आप उसके बाद असद वाला को रखें और नॉर्मन वनवा को, यही रैंकिंग जो है इन 3 प्लेयर्स को खास करके स्टॉप करना होगा। और उसमें अगर टॉनी वाला जैसे प्लेयर का तड़का मिल जाए पीएनजी को, तो डेफिनेटली पीएनजी एक अच्छा स्कोर लगाने में कामयाब रहेगा। अगर वो पहले बैटिंग करते हैं और अगर चेस करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मदद मिल जाएगी, क्योंकि टॉनी वाला जिस तेजी से खेलते हैं, अगर उस जैसा प्लेयर 15 ओवर भी बैटिंग करके, मान लीजिए अगर 60-70 बॉल में टॉनी वाला खेल गए, तो हमें डेफिनेटली एक हाफ सेंचुरी की तरफ से देखने को मिल सकती है। बस ये करना होगा, लेकिन अब तक उन्होंने ये किया नहीं है। तो ये 3-4 बैट्समैन है जिनमें पीएनजी के दारोदार रहने वाला है। वही अगर नेपाल की मैं बात करूं यार, तो 3-4 प्लेयर ऐसे आपका वो कौन से लगते हैं जिन पे डेफिनेटली दारोदार पूरा रहेगा और मेरे ख्याल से वो लिस्ट में भी है। बिल्कुल, अगर हम 3-4 प्लेयर की बात करें ओवरऑल आप कहना चाहिए, जी हाँ जो अभी स्क्वाड में है इसके साथ, और कोई अगर एक्स्ट्रा भी आप कहना चाहें। नहीं जरूर, देखिए ऑब्वियसली अगर हम नेपाल की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए आप रोहित पुड़ैल जो कि खुद जबरदस्त हाईएस्ट रन गेटर में है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे और बॉलिंग से यहाँ दिक्कत जरूर खड़ी होती है, उसके बारे में हम बात जरूर करना चाहेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सोमपाल करण यहाँ ऑब्वियसली हो जाते हैं, क्योंकि बॉलिंग से थोड़ा सा बैटर करने की जरूरत है। मैं बैटिंग यूनिट की बात कर रहा हूँ जी, माफ करिएगा, मुझे लगा आप बॉलिंग का भी चलेंगे हम लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑब्वियसली रोहित पुड़ैल, आरिफ और दीपेंद्र यहाँ पर जरूर हो जाते हैं। अगर बैटिंग में देखें एवरेज अगर आप देखेंगे, 32 का एवरेज है दीपेंद्र का, आरिफ का 38 का एवरेज है, रोहित पुड़ैल का यहाँ पर 78 का एवरेज है, तो उनसे तो और ज्यादा लाजमी है कि वो चले रन करें। पर दिक्कत यहाँ एक चीज जरूर है, ज्ञानेंद्र और आसिफ की दिक्कत जरूर है, जो टॉप ऑर्डर में आते हैं वही उनका ही एवरेज खराब है अगर हम बात करें पीएनजी। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये इस ऐसा ना हो कि आप पूरा प्रेशर जो है वो रोहित या आरिफ पे ही डाल के रखें। तो नीचे ये, ये सबसे आरिफ तो बहुत ही नीचे हो जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि टॉप ऑर्डर में आसिफ या ज्ञानेंद्र, इन दोनों में से किसी एक को एक बड़ी इनिंग यहाँ पर जरूर खेलनी होगी ताकि रोहित का साथ दे सके। एवरेजेस कम से कम पीएनजी खिलाफ यही कहते हैं, देखना होगा कि आसिफ और ज्ञानेंद्र में से कौन से वो प्लेयर है जो अपना एवरेज जो है वो बेहतर कर पाते हैं पीएनजी के खिलाफ। और जरूरी भी होगा, क्योंकि एक एक मैच यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट होने वाला है इस राउंड में, और हम यहाँ पहले बात कर रहे हैं पहले मैच की। तो बैटिंग यूनिट की दोनों टीमों की बात हो गई, कंपैरिजन हो गई, अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ बॉलिंग डिपार्टमेंट में। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर हम चले तो पीएनजी के लिए सबसे पहले जानना चाहूंगा मैं कौन से वो बॉलर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा नेपाल के विकेट स्ट्राइक किए और नेपाल के बैट्समैन को काफी अच्छा खासा परेशान किया है अभी तक ओडीआई से अगर हम बात करें। जरूर देखिए, यहाँ 5 बॉलर्स हमने पिक किए हैं जिनका थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। नॉर्मन वनवा की अगर हम बात करें, 5 मैच में 9 विकेट, 5.07 की उनकी इकोनॉमी रही है, शानदार बॉलिंग कराई है उन्होंने। और वहीं चैट शॉपर 5 मैच में 7 विकेट, 4.04 की इकोनॉमी रही है, इकोनॉमी में तो कंट्रोल जरूर है और विकेट्स भी उन्होंने यहाँ निकाले हैं, 5 मैच में 7 विकेट यहाँ पर निकाली है। वही चार्ल्स अमीनी की बात करें तो 6 मैच खेले हैं और 6 विकेट भी निकाले, ये बहुत क्रूशल हो जाएंगे चार्ल्स अमीनी अगर हम बात करें बिल्कुल के लिए नेपाल के खिलाफ। जी हाँ, कोई दौरा नहीं है,
यही हम कह रहे थे आपसे कि चांस अमीनी जो है वो आप कह सकते हैं वारंटेड, 10 में से 9 बार नेपाल के खिलाफ चलते ही चलते हैं और उनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, विकेट्स भी निकालते हैं, इकोनॉमिकल भी रहते हैं, रन भी उन्हें सबसे ज्यादा किए हैं, 38-37 करीब का एवरेज है नेपाल के खिलाफ। तो डेफिनेटली चांस अमीनी अब तक बहुत बड़े एक्स फैक्टर रहे हैं पीएनजी के लिए जब जब पीएनजी नेपाल के सामने उतरा है, फॉलोड बाय असद वाला एंड नॉर्मन वनवा। देखिए नॉर्मन वनवा ने 100 से ऊपर रन भी मारे हैं, नीचे भी आते हैं काफी, उसके बाद उन्होंने विकेट भी निकाले जो कि सबसे ज्यादा है किसी पीएनजी बॉलर के नेपाल के खिलाफ ओडीआईज में। एंड उसके बाद लिस्ट क्या कहती है, जरूर ए नाउ एल ए नाउ अगर उनकी बात करें, 3 मैच में 5 विकेटें भी, उन्होंने 3 मैच खेले सिर्फ उसमें भी उन्होंने 5 विकेट निकाले और एक पे उनका बेस्ट था, 3 विकेट उन्होंने निकाले थे एक मैच में और 4.75 की इनकी इकोनॉमी है। वहीं पर असद वाला खुद यहाँ आ जाते हैं जिन्होंने 6 मैच में 3 विकेटें निकाली हैं, ज़्यादा ओवर कराते नहीं है लेकिन कराते जरूर है, इतना जरूर है, 4.76 की इनकी इकोनॉमी रही। बिल्कुल, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप कह सकते हैं कि नॉर्मन वनवा, चार्ल्स अमीनी और ए नाउ इन सब पे भी दाम तो रहेगा और डेफिनेटली यहाँ पर कुछ नया इंक्लूजन हुए हैं वो आपको प्लेइंग 11 में जरूर उसकी बात करेंगे। प्लेइंग 11 में आगे हम बताने वाले हैं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीएनजी की और नेपाल की भी। एंड अब नेपाल की बॉलिंग की तरफ चलते हैं, यहाँ पर जो स्टैट्स है वो कुछ अलग तरीके के हैं और ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अलार्मिंग भी होंगे और थोड़े बहुत चैलेंजिंग भी होंगे उन बॉलर्स के लिए जो यहाँ पर नए आ रहे हैं इस इंक्लूड में और इस टूर में इंपॉर्टेंट, खास करके पीएनजी के खिलाफ उनको स्टेप अप करना होगा। एंड नेपाल के बॉलर्स की अगर बात करूँ तो उनके विकेट टेकर्स कौन है सबसे हाईएस्ट? बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा एक कहना होगा झटका जो लगेगा यहाँ पर सुनते ही वो ये है कि सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर इस सीरीज में नहीं है। बिल्कुल, ये क्लियर है, 6 मैच में 15 विकेट लेने वाले और 4 की इकोनॉमी से बॉलिंग कराने वाले संदीप लामिछाने ने नहीं है नेपाल की स्क्वाड में और ये पीएनजी के लिए एक खुशखबरी की बात है यहाँ पर कि हमारे हमारे जिनके सामने हम खड़े भी नहीं हो पाते अब वो बॉलर हमारे सामने नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड्स ऐसा कहते हैं, 6 मैच में 15 विकेटें हैं और संदीप लामिछाने टीम में है नहीं, तो बड़ा खुशी का थोड़ा माहौल मिल जाएगा पीएनजी के बैट्समैन। बिल्कुल, तो पीएनजी के लिए ये आप गुड न्यूज बिल्कुल कह सकते हैं। वहीं पर सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर जो है वो है सोमपाल कामी, जी वो जरूर यहाँ पर है और इतना डेफिनेटली है कि सोमपाल कामी यहाँ पर अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब पूरी तरह से हो सकते हैं और उन्होंने ये किया भी है, 6 मैचों में 12 विकेट निकाले हैं और 5.3 की उनकी इकॉनमी रही, इकॉनमी मेंटेन रखी है, साथ साथ में 2 मैच पर विकेट भी यहाँ निकालने में वो कामयाब रहे और एवरेज नोट अगर आप देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद जो गैप है ना वो बहुत तगड़ा है, क्या कहेंगे नहीं, बिल्कुल आप करण किसी को देखिए 3 मैच में 1 विकेट निकाला है, 6.47 की इकोनॉमी है, सबसे वर्स्ट इकोनॉमी है अगर हम पीएनजी के बॉलर्स को भी इंक्लूड करते हैं और नेपाल के बॉलर को भी इंक्लूड करते हैं। उसके बाद दीपेंद्र सिंह एली की बात करें, 4 मैच में 3 विकेटें निकाली, इकोनॉमी जरूर अच्छी है, 3.3 की इकोनॉमी है पर विकेट्स यहाँ नहीं है और साथ ही साथ कुशल मल्ला को अगर हम देखेंगे 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 2 विकेटें उन्होंने निकाली है जिसमें 2.7 का उनका इकोनॉमी और माफ कीजिएगा 1 मैच में इन्होंने यही परफॉर्म किया था, 1 मैच में खेले थे पर इन्हें बॉलिंग दी नहीं गई। जी हाँ, तो ये हाल है बॉलिंग का, तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि संदीप लामिछाने जो है वो सबसे हाई विकेट टेकर रहे, यानी उन्होंने कितने ज्यादा विकेट मिड फेसेस में निकाले हैं पीएनजी के, इसमें कोई दोहराया नहीं है, 6 मैचों में 15 विकेट। उसके बाद सोमपाल सबसे बड़ा स्पेक्टर है लेकिन उसके बाद अगर आप तीसरा बॉलर यहाँ ढूंढेंगे तो यहाँ काफी ज्यादा विकेट्स में दिक्कत आई है, चाहे वो दीपेंद्र हो चाहे वो करण केसी हो, करण केसी की स्टैट्स थोड़ा से हैरान यहाँ पर जरूर करते हैं, कुशल मल्ला अब इन जो नए बॉलर्स आ रहे हैं इनको देखना होगा कि ये किस तरह से इस कंडीशन पे आकर एपीएनजी के खिलाफ बॉलिंग कराते हैं और विकेट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उन बॉलर्स पर दूसरे बॉलर्स पर दरमदार बहुत ज्यादा रहने वाला है अगर आप कहें सोमपाल करण के साथ साथ, क्योंकि संदीप का एबसेंस यहाँ पर डेफिनेटली खलता हुआ नजर आ सकता है जो भारी भरकम 15 विकेट पीएनजी के निकाल चुके थे। तो अब बॉलर में अगर मैं बात करूं आपके सामने, फिर से वही सवाल मेरा रहेगा कि बॉलिंग में नेपाल के लिए आप 3 नाम कौन से देख रहे हैं जिनको स्टेप अप आगे से करना ही होगा संदीप के एब्सेंस में, वरना शायद रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं 19-20 ना हो जाए। नहीं जरूर, देखिए अब तो यहाँ पर ललित राजवंशी भी आ गए हैं, अब उनका भी इंक्लूजन हो गया, वो खेले नहीं है पीएनजी के खिलाफ अभी तक पर वो भी आ गए हैं, तो ऑब्वियसली बॉलर से उम्मीद है कि सोमपाल करण अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाएं और ललित राजवंशी जो कि मिडिल फेस में आएंगे बॉलिंग कराने वो कुछ अगर कर पाए अपनी बॉलिंग से, स्पिन से, क्योंकि प्राइम स्पिनर वही है दीपेंद्र, कुशल मल्ला वहाँ आ जाते हैं जरूर लेकिन वो प्राइम स्पिनर की हम बात कर रहे हैं, वो ऑलराउंडर की लिस्ट में आ जाते हैं, लेकिन मिड फेस पर आकर दीपेंद्र, कुशल मल्ला ये सब भी बॉलिंग कराएंगे, पर मेन प्रॉब्लम यही होगा कि क्या अर्ली फेस में सोमपाल और करण विकेट निकाल पाएंगे या नहीं, यही बस देखना होगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि संदीप नहीं है
तो इसका फायदा सामने वाली टीम को मिल सकता है। बस कुछ ओवर अगर वो टिक जाए तो शायद मुश्किलें नेपाल बॉलर्स के लिए खड़ी हो सकती। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि अगर अर्ली फेस में विकेट निकालने में नाकामयाब रहे सोमपाल और करण, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पीएनजी एक बेटर टोटल की तरफ खुद को देख सकता है। मिड फेस में विकेट्स मिलेंगे, डेफिनेटली विकेट्स मिलेंगे, लेकिन वो विकेट्स मिलने में कहीं ना कहीं देरी ना हो जाए। 30 रन बाद एक विकेट मिल रहा है, 40 रन बाद एक विकेट मिल रहा है, बीच में पार्टनरशिप्स ना बनने लग जाए, जो संदीप होने भी नहीं देते जब जब वो यहाँ पर क्रीज पर रहे, और खास करके पीएनजी के खिलाफ तो यही रहा है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा नेपाल के बॉलर्स के लिए, सोमपाल करण के लिए, कि वो अर्ली ब्रेक थ्रूज में कम से कम शुरू के 6-7 ओवर में ही 2 विकेट जो है वो चलता कर दे, और तो बहुत ज्यादा प्रेशर जो है पीएनजी की मिडिल ऑर्डर पे आता हुआ नजर आएगा। तो ये एक फैक्टर सोमपाल करण पे करना ही होगा, जो वो रिसेंटली कुछ मैचों से शायद करते हुए नजर यहाँ पर नहीं आ पा रहे। ये बात हो गई बॉलिंग बैटिंग की कंपैरिजन, क्या सीधे चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। प्लेइंग 11 पीएनजी का सबसे पहले आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मैच में जो उतर सकता है, क्योंकि उनकी स्क्वाड ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थी, इसकी वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। नहीं जरूर, और बिल्कुल कुछ नए इंक्लूजन यहाँ हमें देखने को मिलेंगे जरूर। डिटेल क्रिकेट ये मानता है कि शायद डेब्यूटेंट इस सीरीज में उतारे जाने हैं, इस मैच में माफ कीजिएगा इस मैच में उतरने की उम्मीद है। बात करें असद वला, टॉनी उरा, सेल्स बाओ, किपिन डोरिगा, हिरी हिरी, रायली हुक्यू, नॉर्मन बनुआ, काबुआ मौर्या, सीमो कामिया, एले नाओ, और यहाँ पर जॉन कैरी को, जो कि डेली क्रिकेट को लगता है कि इनको यहाँ मौका दिया जा सकता है एज अ डेब्यूटेंट। क्यों? अब पीएनजी जो है वो खेल बिगाड़ने के लिए उतर रहा है दूसरी टीमों का, वो चाहेगा कि अपने गेम को हम जीते जितना ज़्यादा हो सके और सामने वाली टीमों का और ज़्यादा ट्रबल पैदा करें और सामने वाले की। तो जॉन कैरी को जरूर एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर पीएनजी उन्हें उतार सके। बिल्कुल उतारना भी चाहिए, क्योंकि ये गलती पीएनजी को नहीं करनी चाहिए जब आप लेकर आए हैं उन्हें, तो सीधे सीधे एक नए प्लेयर को आप सीधे सीधे प्लेयर्स के सामने रखें, उनकी बॉलिंग देखें, लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ बेहतरीन बॉलिंग को निकाल पाए और वहाँ पिच में हेल्प भी उनके लिए रहेगी, पेसर स्पिनर्स दोनों के लिए हेल्प है। तो स्पिनर्स भी यहाँ पर जैसे देखा है खान ने किस तरह से लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने वहाँ पर विकेट निकाले, और डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा स्पेल उम्मीद आप कर सकते हैं। तो सीधे सीधे आप मैच में उन्हें खिलाएं और प्लेइंग 11 में मिले तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। एक अलग तरीके का बॉलर जिनको खेला ना गया हो, तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग पैकेज पीएनजी के लिए होगा। बाकी तो आप असद वला के कि वो किस तरह से कैप्टनसी में यहाँ पर चीजें देख रहे हैं। नेपाल की प्लेइंग 11 क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप संदीप लामिछाने के एब्सेंस में? जरूर, देखिए बात करें हम प्लेइंग 11 की, तो कुशल बुर्देल, आसिफ शेख, ज्ञानेंद्र मल्ला, रोहित पुड़ैल, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ कुशल मल्ला, उसके बाद आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह एरी, और यहाँ आरिफ शेख की एक एंट्री हो गई, जी हाँ, जो हमने नाम लिया। फिर गुलशन झा यहाँ पर डेली क्रिकेट को लगता है कि पॉसिबल 11 में हमारे जो लगता है हमें, उसके बाद सोमपाल कामी, करण केसी और ललित राजवंशी। तो ये प्लेइंग 11 जो हमें लगती है नेपाल की पहले मैच की। बिल्कुल, तो ये प्लेइंग 11 कहना भी एक्सपेक्टेड है कि शायद पहले मैच में उतरे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एक चीज यहाँ पर देखने वाली है कि ललित राजवंशी के अलावा मेरे ख्याल से लगभग हर कोई जो है 10वें नंबर तक आपके पास बैटिंग डेप्थ रहे। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर नेपाल की बैटिंग ने स्ट्रगल किया है, हिस्ट्री कम से कम ये कहती है। तो और ऊपर से एक अवे टूर है, तो डेफिनेटली आप जितनी ज्यादा बैटिंग डेप्थ के साथ जाए, साथ में वो बॉलिंग भी करा ले तो बेहतर क्या होगा, 3-4 ओवर आप उनसे डलवा ले तो बेहतर है। यहाँ पर ललित राजवंशी के अलावा सारे के सारे बैट्समैन देखेंगे ऊपर से नीचे तक, तो बैटिंग डेप्थ के साथ है जो बैटिंग कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी प्लेइंग 11 रह सकती है। बाकी ओवरऑल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। फिलहाल इस मैच प्रीव्यू में इतना ही, एक एक्साइटिंग मैच यहाँ पर देखने की जरूर उम्मीद है। एंड इस मैच की अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें, चलिए आप ही से आज पूछ लेते हैं, आप ही बताइए आपको क्या लगता है कि इस मैच में क्वेश्चन अलग होगा ही थोड़ा सा, पहले बैटिंग करने वाली टीम जो है वो क्या 200 पार कर पाएगी, ये सवाल है आप सबके लिए। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी क्या वो 200 क्रॉस कर पाएगी पहले बैटिंग करते हुए, इंटरेस्टिंग इसका आंसर है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स जरूर रखिए, और आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों ही टीमों की जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि एक अच्छा मैच यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। पोस्ट मैच एनालिसिस, सारी स्कोर अपडेट, स्टैट्स, रिकॉर्ड, सब कुछ लेकर आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।